सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में नैना करती है मेघना को समझाने की कोशिश कि जो कुछ हुआ उसे वो भूल जाए, उसी में सबकी भलाई है। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना और नैना अपने पगफेरे की रस्म करके वापस घर आ गई हैं। शो में दोनों बहनें एक साथ जाती हैं अपने पगफेरे के लिए अपनी माँ शारदा से मिलने। दोनों बहनें अपनी माँ से मिलकर उसे आशीर्वाद लेकर आ जाती है वापस अपने घर। शारदा दोनों को सुखी शादीशुदा जीवन का आशीर्वाद देती है। दोनों बहनें शारदा को अपना कोई भी दुख नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को भी और टेंशन दे। शादी में पहले ही चौहान की वजह से वो बहुत टेंशन में आ गई है और अब उसे और दर्द नहीं देना चाहती। वो अपने दुखों को अपनी माँ से दूर रखना चाहती है। शारदा से मिलने के बाद जैसे ही वो दोनों घर आती हैं, संध्या घर आते ही उन दोनों को टॉन्ट मारती है कि वो दोनों लेट क्यों आई हैं। संध्या भी कोई मौका नहीं छोड़ी है दोनों बहनों को परेशान करने का। संध्या की बात सुनकर मेघना को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली भी जाती है, लेकिन नैना मेघना के गुस्से को समझ जाती है और वो मेघना के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। नैना मेघना को समझाने की कोशिश करती है। वो अपनी दी को समझाती है कि वो अपनी माँ और उसके सेक्रीफाइस को याद करे कि कैसे उसकी माँ ने उन दोनों बहनों को बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी की। नैना मेघना को ये सब सुनाकर उसे बोलती है कि जो हुआ उसे भूल जाए और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करे और इसी में सबकी भलाई है। अब देखते हैं कि क्या मेघना नैना की बात मान जाती है या नहीं। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में नैना करती है मेघना को समझाने की कोशिश कि जो कुछ हुआ उसे वो भूल जाए, उसी में सबकी भलाई है। सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में मेघना और नैना अपने पगफेरे की रस्म करके वापस घर आ गई हैं। शो में दोनों बहनें एक साथ जाती हैं अपने पगफेरे के लिए अपनी माँ शारदा से मिलने। दोनों बहनें अपनी माँ से मिलकर उसे आशीर्वाद लेकर आ जाती है वापस अपने घर। शारदा दोनों को सुखी शादीशुदा जीवन का आशीर्वाद देती है। दोनों बहनें शारदा को अपना कोई भी दुख नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो अपनी माँ को भी और टेंशन दे। शादी में पहले ही चौहान की वजह से वो बहुत टेंशन में आ गई है और अब उसे और दर्द नहीं देना चाहती। वो अपने दुखों को अपनी माँ से दूर रखना चाहती है। शारदा से मिलने के बाद जैसे ही वो दोनों घर आती हैं, संध्या घर आते ही उन दोनों को टॉन्ट मारती है कि वो दोनों लेट क्यों आई हैं। संध्या भी कोई मौका नहीं छोड़ी है दोनों बहनों को परेशान करने का। संध्या की बात सुनकर मेघना को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली भी जाती है, लेकिन नैना मेघना के गुस्से को समझ जाती है और वो मेघना के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। नैना मेघना को समझाने की कोशिश करती है। वो अपनी दी को समझाती है कि वो अपनी माँ और उसके सेक्रीफाइस को याद करे कि कैसे उसकी माँ ने उन दोनों बहनों को बड़ा किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी की। नैना मेघना को ये सब सुनाकर उसे बोलती है कि जो हुआ उसे भूल जाए और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करे और इसी में सबकी भलाई है। अब देखते हैं कि क्या मेघना नैना की बात मान जाती है या नहीं। वेल शो से जुड़ी सारी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज।